जो उनका कर्जा था वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उतारा है और घटने की बजाय पैसे बढ़ ही रहे हैं पेट्रोल पे। अभी इलेक्शन से पहले 95 के रेट में था और अब लगभग 100 के रेट में है। ये तो मही के मही है, सैलरी कहाँ बढ़ रही है और बढ़ने की जगह घट रही है और रुक भी रही है सैलरी। एक्चुअल में क्या है, पिछले 6-7 दिनों से 80 पैसे पड़ रहे लगभग पेट्रोल और पावर और डीजल तीनों पे बढ़ोतरी दिख रही है हमें। कस्टमर को सब पता है, रेट डिस्प्ले होते हैं उसमें तो कोई आनाकानी होने का मतलब है नहीं, सबको पता होता है। हर किसी का स्वभाव नहीं होता है, एक दो होते हैं उनको समझाया जाता है भाई हमारे हाथ में तो है नहीं रेट। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। पूरे देश में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं जिसके चलते और भी चीज़ों पर लगातार महंगाई बढ़ रही है, अगर बात पेट्रोल की जाए तो वो 100 के पार हो चुका है। लगातार 6 दिन से पैसे बढ़ रहे हैं और 80 पैसे के करीब लगातार इस पे बढ़ रहे हैं। और अगर अब आप देखेंगे यहाँ पर तो पेट्रोल जो गाज़ियाबाद में है 101.64 रुपया हो चुका है और जिससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो बेहद ज़्यादा परेशान है। चुनाव के वक्त पेट्रोल लगभग 95 रुपये था और अब 101 रुपये के आसपास हो चुका है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि पेट्रोल जिस तरह से महंगा हो रहा है कहीं ना कहीं उनकी भी जेब खर्च पर फर्क पड़ रहा होगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल जी, पेट्रोल महंगा हो रहा है, परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानियाँ तो हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। किस 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 तरह की परेशानी हो रही है? तेल की ज़्यादा है पहली बात तो। देखिए जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और तमाम ऐसे खर्चे हैं जो वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद शाहरुख। शाहरुख जी, किस तरह जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानी तो हो रही है मैडम, परेशानी तो हो रही है सर। अच्छा, क्या चाहते हैं कि किस तरह से हो? पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो किस तरह से बढ़ें कि आम आदमी को भी परेशानी ना हो? ये तो मतलब और घटने की बजाय पैसे बढ़ ही रहे हैं पेट्रोल पे। अभी इलेक्शन से पहले 95 के रेट में था और अब लगभग 100 के रेट में है, 100-105 जो भी है। मतलब गरीब आदमी पे तो ऐसा बहुत ही फर्क पड़ रहा है, क्या खाएगा क्या कमाएगा पसीने ऐसे तो पेट्रोल में ही सारे पैसे दे देगा ना वो। सैलरी बढ़ती नहीं है लेकिन? सैलरी तो मही के मही है, सैलरी कहाँ बढ़ रही है और बढ़ने की जगह घट रही है और रुक भी रही है सैलरी, पेंडिंग में है, मिल भी नहीं रही। इन भैया से पूछो, इनकी भी सैलरी नहीं मिली होगी अभी तक, पता कुछ नहीं भैया आपके। बिल्कुल, यहाँ एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, देखेंगे कि 101 रुपया जो है वो हो चुका है। एक बार मैं चाहूँगा कि थोड़ा करीब से वो दिखा सकें और आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं आम लोगों को भी बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जब दाम बढ़ते हैं तो आम तौर पर इसका गुस्सा जो पेट्रोल कर्मी हैं, पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं, उनको भी झेलना पड़ता है। तो एक हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रभाकर उपाध्याय है। उपाध्याय जी, यहाँ किस पद पर तैनात हैं पेट्रोल पंप? जी मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे पंप पे। एक्चुअल में क्या है, पिछले 6-7 दिनों से 80 पैसे पड़ रहे लगभग पेट्रोल और पावर और डीजल तीनों पे बढ़ोतरी दिख रही है हमें। कहने को ये भी कह सकते हैं कि लोगों को दिक्कत तो है ही, लेकिन इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट यूक्रेन जैसा युद्ध छिड़ रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि देखो हमारे देश में तो पेट्रोल पावर बाहर से ही इंपोर्ट किया जाता है, जो भी है रेट तो बढ़ रहे हैं, पब्लिक को परेशानी। जब रेट बढ़ते हैं तो कई बार होता है कि ग्राहक जो आता है उसका भी दिमाग गर्म होता है, आनाकानी होती है, इस तरह की चीज़ें भी देखने को। देखो कस्टमर को सब पता है, रेट डिस्प्ले होते हैं उसमें तो कोई आनाकानी होने का मतलब है नहीं, सबको पता होता है। हाँ ये दिक्कत होती है कि रेट डिस्प्ले ना हो तो कुछ कस्टमर दिक्कत देगा, लेकिन जब रेट डिस्प्ले है तो मेरे हिसाब से कोई कस्टमर दिक्कत देगा नहीं, क्योंकि उनको अगर बात करें कि जिस तरह से कस्टमर आते हैं, अब आते होंगे चिड़चिड़े लगते होंगे। नहीं देखो चिड़चिड़ा हर किसी का स्वभाव नहीं होता है, एक दो होते हैं उनको समझाया जाता है भाई हमारे हाथ में तो है नहीं रेट, जो भी ऊपर से डिस्प्ले हो रहा है हमसे अलाउट कर रहे हैं, इसमें तो हमारा कोई इश्यू है ही नहीं। तो पब्लिक भी समझदार है कि जी कहीं भी ले लो रेट तो सही नहीं मिल रहा लगभग, लेकिन हाँ ये है कि रेट बढ़े हैं कुछ दिनों से, 80 पैसे पर डे के हिसाब से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रेट बढ़ने से कहीं ना कहीं आम जनता भी परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं उन तमाम चीज़ों पर भी पैसे बढ़ रहे हैं जो पेट्रोल और डीजल के द्वारा जिनकी ढुलाई होती है, चाहे वो सब्जी की बात हो, ग्रोसरी की बात हो या घर के अन्य प्रोडक्टों की बात हो, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लगातार लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ और भी लोग हैं, एक बार इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी है। जी क्या नाम है आपका? राजकुमार। जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं क्या लगता है आपको, सरकार को कुछ और ऑप्शन भी करना चाहिए या
जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं बढ़ते रहे। नहीं रोकना चाहिए, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। दिक्कतें तो होती होंगी? हाँ दिक्कत तो है, ये बढ़ रहे डेली डेली बढ़ रहे हैं, ज्यादा इकट्ठे बढ़ाते हैं जितने बढ़ाने डेली डेली। 65 साल तक उन्होंने राज किया है, तो क्या किया है जब से, क्या कर रहे थे वो? हर चीज में लूट खसोट, जो उनका कर्जा था वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उतारा है। यूक्रेन से युद्ध चल रहा है लोग रशिया का, और क्यों हमारे, आप भारत के लिए क्यों देख रहे हो? आप पूरे विश्व को देखें ना, पेट्रोल की कीमतें डीजल की कहाँ जा रही हैं, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था हमारे देश की जो है और पूरे विश्व से भी अच्छी है, ये आपको मानना पड़ेगा। इनका कहना है कि पूरी देश की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया के मुकाबले काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उनके चलते जो और सामान हैं उन पर भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो गरीब लोग हैं या खास तौर पर जो मिडिल लोग हैं, मिडिल क्लास के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।